नहीं पाया सब उस पागल की वजह से। अरे हो गया ना, लेकिन अब जो वो करने वाले हैं वो बहुत ही बुरा होगा। इंदर, अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। तुम दोनों कहीं भाग जाओ। इसे कहते हैं हिंदुस्तानी शैंपेन। इंदर, ए इंदर, ए कौन है? ए कुत्ते बाहर निकाल! ए! लेकिन आप कौन हैं? इंदर घर पर नहीं है, बात क्या है? हम देखने आए उस माँ बाप को जिसने अपने बेटे को जानवरों का चारा खिलाकर एक मूर्ख के जैसा बड़ा किया है, जिसकी मूर्खता पूरी करने के लिए यहाँ पे 5-6 जानवर जैसे साथियों को बांध के रखो ताकि उस मूर्ख को कंपनी मिल जाए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हुआ क्या है। तुम्हारा बेटा हमारी बहन को भगा कर ले गया है, जिसे हमने हमारी बेटी की तरह पाला था। उस कुत्ते ने चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारी बहन को कहीं छिपा के रखा है। हमारे लिए तो हमारी बहन मर गई है, हमको नहीं चाहिए वापस हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे बेटे को तो हम ढूंढ निकालेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे कुत्ते के। याद रखना है, फिर भले ही उसके सामने उसके माँ बाप क्यों ना खड़े हो। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। बंसल जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं, आप लोग बैठिए। सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग जाकर उसे ढूंढते हैं। किस लिए? सुना नहीं तुमने? वो उस लड़की को ले जाकर कहीं छुप गया है। कहां जाकर ढूंढेंगे ऐसे लड़के को? और क्यों ढूंढे? भटकने दो उसे यहां वहां, जब थका हारा घर वापस आएगा तब देखेंगे क्या करना है। पर वो लोग इंदर के साथ मारपीट भी कर सकते हैं। करने दो। अगर उसने वो सब कुछ किया है जो इल्जाम इन लोगों ने उस पर लगाए हैं तो वो इसी लायक है। और तुम क्यों दुखी हो रही हो? दुखी तो मुझे होना चाहिए, गलती मेरी। मैंने उसे एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह पाला, बस उसी का फल भुगत रहा हूं। और वो जो आदमी आया था, उसकी जबान सुनी तुमने? उसे तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा है उस लड़की की नस्ल क्या है, उसकी औकात क्या है? पर मैं नहीं मानती कि मेरा इंदर इसे कुछ कर सके। मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन ठीक है, फिर तुम्हें बताओ कि क्या करना है, मैं वही करूंगा। इंदर, अब तुम्हें इस शहर में एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए। वो लोग खून खराबे पे उतर रहे हैं, जो मिलता उसे मार रहे हैं। देख दोस्त, तुम दोनों को साथ में देखकर अपन को अच्छा लगता है, पर डर भी लगता है कि कहीं इस रिश्ते पर दाग न लग जाए। तुम्हारे लहू के, इसलिए अगर अभी आप दोनों अपना फैसला बदलना चाहते हैं तो। नहीं, अब इस रिश्ते पे कोई दाग नहीं लगेगा। हम जाएंगे मेरे घर, मार पापा के पास। हाँ, मेहंदी, कुमकुम और हल्दी की मोहर लगेगी इस रिश्ते पे। तो चलो, हम अभी इसी वक्त चलते हैं।
इंदर चलो गाड़ी में बैठो। चलो सिर्फ तुम आओ। लेकिन पापा पल्लू। जानता हूं इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ तुम आओ। लेकिन पापा पल्लू के बगैर। उसके बगैर? उसके बगैर क्या? मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने के लिए तुम्हारे घर में कोई है जो दिन रात अपनी नींदें खोकर मंदिर मंदिर तुम्हारे लिए मिन्नतें मांगती भटक रही है? मैंने इतने सालों में तुम्हारी माँ को कभी दुख नहीं पहुंचाया और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसे कोई दुख पहुंचाओ। तुम्हारी माँ को जिस लड़की की तलाश है ये लड़की उसे कोसों दूर है। पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं पल्लू के बगैर नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा और जहां तक इस लड़की का सवाल है इसे ये लोग उठाकर इसके भाइयों के घर फेंक देंगे। ले जाओ इसे। कोई इसे छुएगा नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो इसे। पल्लू, पल्लू, छोड़। पल्लू, इसे ये मार डालूंगा साला। इसे मारो, मारो। इंदर, नहीं इंदर, अपने पापा के साथ मत लड़िए। हम जाते हैं। रुक जाओ, रुको, रुक जाओ सब लोग। तुम्हारे हो या नहीं? नहीं, ये मेरी पसंद है और मैं इसे माँ के पास ले आऊंगा। इसके बगैर मैं नहीं आऊंगा। आओगे, तुम अकेले ही आओगे, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी माँ से वाकई लगाव है और अगर वाकई तुमने अपनी माँ की कोख से ही जन्म लिया है तो आज शाम तक इस लड़की को घर पर छोड़कर तुम घर आओगे। वरना अगर इसके भाइयों ने तुम्हारी गर्दन काट कर मेरे सामने जमीन पर भी फेंक दी ना तो मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं टपकेगी। इसलिए तुम आओगे, जरूर आओगे। आओगे ना? अब तुम लोग किधर जाएगा? अब ऐसे पुतलों की तरह क्या खड़े हो? चलो अपन के साथ अपन के घर, उधर दिखाता है प्यार क्या होता है। हाँ, बहुत बड़ा बंगला नहीं है, एक छोटा सा झोपड़ा है अपन का। अपन का बाप एक गरीब मछुआरा है पर दिल बहुत मजबूत है उसका, अपना हक के वास्ते कुछ भी कर सकता है, दरिया दिल है। अपन तुम लोग को उधर लेके जाएगा, उधर तुम लोग को कोई छुएगा भी नहीं, अपन के बाबा के पास।